स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑल इन वन टी में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ बड़ी खुशखबरी ट्रांसफ़र को लेकर। जब भी कोई बात निकल कर आती है शिक्षा विभाग की तरफ से तो शिक्षकों को वो बहुत ज़्यादा ही खुश कर जाती है। तो ऐसी ही ट्रांसफ़र से संबंधित ये सूचना है शिक्षा विभाग की तरफ से, जो शिक्षा मंत्री के द्वारा बयान दिया गया है कल शिक्षक दिवस के अवसर पर उसी के विषय में। तो चलिए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और जानते हैं संबंधित जानकारी को। उससे पहले बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और देखते हैं संबंधित जानकारी को। उससे पहले जो चैनल पर विजिट कर रहे हैं वह चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बेल आइकन उसे प्रेस कर लीजिए, ताकि शिक्षा विभाग से जुड़ी हुई आपके जिले से संबंधित आपके विद्यालय से संबंधित कोई भी बड़ी छोटी अपडेट का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। जैसा कि आप लोगों को पता है कि शिक्षा विभाग में हर रोज़ कुछ ना कुछ नई चीज़ें होती रहती है, तो आप लोग शिक्षा विभाग के हर एक खबर से हर एक गतिविधि से सबसे पहले अपडेटेड हो सके। तो फ्रेंड्स, देखते हैं संबंधित जानकारी को। शिक्षक दिवस के मौके पर शिक्षा मंत्री सुशील कुमार ने कहा, उदार नीति बन रही है घोषणा, शिक्षकों के लिए नई हस्तांतरण नीति जल्द आएगी। उन्होंने घोषणा करके ये बताया कि शिक्षकों के लिए जो ट्रांसफर की नीति है वो जल्द से जल्द शिक्षा विभाग के द्वारा लाया जाएगा। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने शिक्षक दिवस के अवसर पर शिक्षकों के लिए बड़ी घोषणा की। उन्होंने कहा कि शिक्षकों के पदस्थापन हस्तांतरण को लेकर उदार नीति बनाई जा रही है, जल्द ही यह नीति आएगी। मंत्री गुरुवार को श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में उत्कृष्ट कार्य करने वाले 42 शिक्षकों को राज्य पुरस्कार से सम्मानित करने के बाद यह घोषणा की। इस मौके पर शिक्षकों की प्रशस्ति पत्र, शॉल, पौधा प्रतीक चिन्ह और 15,000 रुपये का चेक दिया गया। मंत्री ने कहा कि हस्तांतरण में दिव्यांगों, बीमार शिक्षकों और शिक्षिकाओं के लिए विशेष प्रावधान होगा ताकि उन्हें कठिनाई नहीं हो। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में शिक्षा की तस्वीर बदली है। शिक्षा विभाग को सरकार का पूरा सहयोग मिल रहा है। वर्ष 2001-2 में राज्य में 1.5 लाख शिक्षक थे, जिनकी संख्या अब बढ़कर 5,77,000 हो गई है। हाल ही में 2 लाख से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति हुई है। आने वाले दिनों में 1.5 लाख की बहाली होनी है। 74,000 स्कूलों में 1,80,00,000 बच्चे पढ़ रहे हैं। इनको बेहतर शिक्षा देना और अच्छा इंसान बनाना शिक्षकों की जिम्मेदारी है। शिक्षक समय से कक्षा में आए और बच्चों को मूल्य आधारित शिक्षा दे। हमें गौरवशाली विरासत को फिर से पाना है।